होली है और हर्बल कलर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके सामने ये पूरा किट है जिसको आप होली में लगा के रिफ्रेश कर सकते हैं, अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। होली खेल के तो लोग अपनी शक्ल सुंदर खराब कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लाया है आपके पास जिसको आप लगाएंगे और आपका आपका स्किन ज़्यादा रिफ्रेश होगा। तो इसके अंदर आपको हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी, बीटरूट पाउडर और नीम पाउडर, ये सारी चीज़ मिलेंगी जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है और कलरफुल भी है। तो आप सब इंजॉय कीजिए हर्बल होली। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, इससे आप 10 साल से जुड़े हैं और अभी जो है मूवमेंट और भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे बताएं। हम हर साल ये इवेंट करते थे, ओडिशा में इवेंट करते थे, उसको पुणे और बॉम्बे और दिल्ली लाना चाहते थे, मगर इस कोविड के वजह से इस साल हम नहीं इवेंट कर पा रहे हैं। मगर ये जो क्लिप है आपके घर तक पहुंचाते हैं कि ये घर तक पहुंचे और घर में आप सेफली खेलें विदाउट केमिकल। करण जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खुशियों का त्यौहार होता है होली, और अगर हमें रंग भी उसी खुशियों की तरह मिल जाए जो हमारे चेहरे को ना बिगाड़े, हमारे स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, अगर ऐसा कोई कलर मार्केट में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सब लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी होली और अपने साथ वालों सबकी होली को खुशनुमा बनाएं इस कलर के साथ। ओके, लव आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा स्वप्ना जी और राजेश जी को, बिकॉज मैं कुछ सालों से जुड़ा हूँ इन लोगों से, मतलब इन अर्बन होली के थ्रू, और बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज बहुत ही डिफरेंट है और बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये पूरे भारतवर्ष में फैले। तो आई विश थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जैसे कि आप सब हर्बल वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि हर्बल मतलब सेफ है। तो होली जो हम लोग आजकल टाइम टू टाइम कन्वर्ट होके केमिकल्स में ज़्यादा केमिकल कलर यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग नेक्स्ट डे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे हर्बल वे में सेलिब्रेट करें, लेकिन हर्बल के दौरान लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोचा कि गुलाल से खेले, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स मिल रहे हैं। तो हमने सोचा नेचुरल वे में जो हो सके और हमारे आसपास में इजी अवेलेबल हो, तो इसीलिए हमने इसमें लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी ये सारी चीज़ों से खेलो, क्योंकि कृष्ण भगवान जब खेलते थे तो तभी ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। तो हम लोग जब टाइम टू टाइम अपने आप को ज़्यादा केयर करते हैं, नेचुरल चीज़ें खाने लगे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होने लगी है, तो वाई नॉट होली जैसे ऐसे त्यौहार को हम और हर्बल वे में, ऑर्गेनिक वे में सेलिब्रेट करें। अभी के टाइम में कितनी इम्पोर्टेंस है हर्बल होली की, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिस तरह का माहौल चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या फिर कोविड तो है ही, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय में कितना इम्पोर्टेंट है? सी अभी जैसे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो केमिकल से जितना हो सके हम दूर रह सकते हैं और हम उसको कोशिश भी कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम में जैसे लोगों ने कोविड के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इम्यून स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी वल्दी यूज़ किया, तो हम लोगों को यही बोलेंगे कि आपके मुँह में अगर ये सारे जाते भी हैं प्रोडक्ट्स तो आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, ये टोटली हार्मलेस है, आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि होली खेलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्किन डिजीज़ होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है आज। और आजकल के टाइम में तो हम सब अपने आप के लिए इतना ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हर्बल होली आज के जनरेशन के लिए, आज के टाइम के लिए सबसे बेस्ट है। राजेश सर आपसे जानना चाहूँ के बारे में थोड़ा सा बताइए, और तब क्या रिस्पॉन्स था और अब किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है इस हर्बल होली को लेकर? शुरुआत तो काफ़ी डिफरेंट था, जनरल पब्लिक जैसे मैं भी होली सेलिब्रेट करना चाहती थी और मैं भी कलर्स काफ़ी ज़्यादा खेलती थी, तो ऑल ऑफ सडन मुझे ध्यान में आया कि मैं एक्टिंग करती हूँ, नेक्स्ट डे मुझे काफ़ी दिक्कत होता है, मीटिंग्स नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगा अगर मुझे नाच गाना करना है और होली सेलिब्रेट करना ही है तो मैं कुछ डिफरेंट करूँ। और मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं, हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी ये जो स्किन को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेके मैं होली का त्यौहार करूं। तो इनिशियली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ कि पब्लिक को समझाने में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ,
फिर उसके बाद जब मैं ये डोर टू डोर कैंपेन की, लोगों के पास गई और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जब प्रोडक्ट उनके सामने मिला, जब बोलते थे तो लोग समझ नहीं पाते थे, जब हम लोगों ने इवेंट किया और प्रोडक्ट उनके सामने रखा गया तभी लोग खेले और बहुत इंजॉय किया और सब ने कहा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसे हम नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे, डेफिनेटली होली में करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अप्रिशिएट भी किए, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होके इसको नेक्स्ट डे खेलने भी लगे, क्योंकि ये होली से वन डे पहले होता था। और सबसे बड़ी बात है, इसको अप्रिशिएट किया गया उन जगहों पे जहाँ पे जिन बच्चों के पास कोई नहीं है, जो विजुअली चैलेंज्ड है, पार्शियली ब्लाइंड है, ऑर्फनेज में होगा, तो इन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि जो कलर्स देख नहीं पाते हैं वो छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसके फ्रेग्रेंस को महसूस करके जान पाते हैं कि हम हल्दी से खेल रहे हैं या चंदन से खेल रहे हैं या टमाटर पेस्ट से खेल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया उड़ीसा में, और अभी टाइम है इसको ऑल ओवर इंडिया हम डोर टू डोर हर घर पर ये प्रोडक्ट पहुँचे और लोग इसी से ही अपना होली का त्यौहार सेलिब्रेट करें। सबको बोलूंगी प्ले होली, बट सेफ होली, हर्बल होली, बिकॉज कोविड का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन फेस किया है, तो मैं सभी को बोलूंगी कि हर्बल वे से हर्बल होली खेलिए और इन्जॉय कीजिए। करण जी, आप क्या मैसेज?